मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे के भिवंडी शहर में एक पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है। भिवंडी के एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के पत्रकार ताहिर शेख पर चार लोगों ने जानलेवा हमला किया है। बताया जा रहा है हमला करने वाले ये चारों भाई हैं। इस हमले में ताहिर शेख गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और ताहिर शेख को घायल अवस्था में भिवंडी के IGM हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने उन्हें चोट ज़्यादा लगने की वजह से उन्हें कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि पत्रकार ताहिर शेख भिवंडी के नदिया पार में रहते हैं और गाड़ी पार्किंग को लेकर ये विवाद हुआ। उसके बाद चार भाइयों ने मिलकर पत्रकार ताहिर शेख पर जानलेवा हमला कर दिया है। हालांकि इस हमले के दौरान बीच बचाव करने के लिए उनकी माँ भी पहुंची और उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि ताहिर शेख जो है भिवंडी शहर में काफ़ी एक्टिव पत्रकार हैं और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि किसी साजिश के तहत तो ताहिर शेख पर हमला नहीं हुआ है, क्योंकि ताहिर शेख जो है वो काफ़ी भिवंडी शहर में एक्टिव पत्रकार थे। लेकिन बहरहाल ये पूरा मामला पुलिस जांच का विषय है कि पुलिस जांच में ही सच सामने आएगा कि क्या वाकई में ताहिर शेख पर जो हमला हुआ है वो गाड़ी पार्किंग को लेकर हुआ था या फिर किसी साजिश के तहत पत्रकार ताहिर शेख पर हमला हुआ है। अगर क्या कहेंगे, आज जो आपका बेटा है ताहिर, उसके ऊपर हमला हुआ है, कुछ लोगों ने किया है, तो कैसे हुआ? हमको भी नहीं मालूम बेटा, वो काय के लिए हमला कर रहे हैं। उन लोगों को पार्किंग की बात थी, लेकिन वो अचानक उन लोग ने इसका भाई ने फोन करके बुलाया अपने भाइयों को और बोला कि सामान निकाल। तब मैं लोगों को पकड़ने गई तो मेरे को भी ढकेल उकेल के मेरे भी ऊपर भी वार किया और उसपे भी मारे, उसको भी मारे। और चार भाई थे उन लोग। क्या नाम है? मालूम है, एक का सलीम है, एक अस्पाक है और एक बबलू है और एक का तो पता ही नहीं। वही चौथे माले पे रहते हैं लोग, हम लोग पहले माले पे रहते हैं और गाड़ी एकदम दादर के बाजू में टेढ़ी रखी थी। बस यही बोले कि गाड़ी तुम यहाँ से हटा लो, इसके पहले की मतलब सीधी कर लो। पार्किंग की वजह से हुआ था सारा? पार्किंग की वजह से नहीं, रास्ता नहीं था वही पार्किंग में आने जाने के लिए, तो जैसे गाड़ी गिर जाएगी तो किसी के भी हम लोग को भी लग सकती है। इसके लिए वो हटाने के लिए उसको मतलब सीधी करने बोले और एक साइड में करने बोले, बस यही मसला था। अब फोन क्या बोला मेरे को समझ में नहीं आया। बस इसके पहले भी कुछ हुआ था? इसके पहले भी कुछ ऐसा मामला? कल भी वही पार्किंग की वजह से हुआ था, वहां सामने मट्टी थी इसलिए हम लोग ने सबको हटा दिए तो सब खत्म हो चुका था। लेकिन आज उन लोगों ने क्या गाड़ी में सामान रखे थे ये नहीं पता। और वो चारों भाई, एक भाई ने फोन करके तीनों भाइयों को बुलाया। अच्छा, आपको भी मार लगा है? हाँ, तो हमको क्या पता। अब मैं पकड़ने जा रही थी, छुड़ाने जा रही थी, अब वो लोग सामान रख के क्या सामान निकालने गए, बस उसमें से मैं पकड़ने लगी। बेटा तुम काय का सामान निकाल रहे हो मारने के लिए? तो मेरे को लात मारा वो हाथ से भी, मेरे को पूरा रिक्शे में से धक्की देके नीचे गिराया। उनके पास आपने कोई हथियार वगैरह देखा? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन वो नीचे अंदर चढ़ा था, मैंने उसको खींच के निकाली गाड़ी में से और टायर को सर पे मारे। चार भाई थे वो लोग।